सोचो पर दो पीछे नहीं। क्या बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुजराती में? सुप्रभात। अब ठंडी लग रही तुम्हें? सही है, रात को लग रही है, अभी ठीक हो गया। गुजराती में कहो, गुजराती में कुछ बोलो। बोलो शू कैसो यो? अब भाई नेक्स्ट ट्रिप हमारी थी, पदम जवान निकली है जे लक्ष भाई काला हमारी मदद करे थे। अरे रात के डिनर में सारू यो बनाया फिर अब हमें जे निकली है जे पदम तरफ। यहां बन रही है अदरक वाली चाय? नहीं कॉफी। कॉफी अदरक वाली कॉफी? क्यों भाई क्यों? अच्छी लगेगी, एक बार ट्राई करके देख लो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। अभी हम रुके थे सरचू उतर के बोम्बो रोम्बोम पहाड़, ऐसा कुछ नाम है भाई जगह का, हम ढंग से पता नहीं, तो इसके पास में रुके थे हम। ये कैंपिंग साइट है यहाँ पे, बहुत बड़ी, दूर दूर तक कैंप लगते हैं। मतलब यहाँ पे अभी तो कुछ बड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा रेंट का चलता है। तो हमने गाड़ी लगाई थी, उसके लिए उन्होंने 200 रुपये चार्ज किए थे पार्किंग के पास। सो अभी हम यहाँ से निकले हैं पदुम के लिए। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटों का रास्ता है। अभी थोड़ी देर आगे जाके नेटवर्क भी आ जाएंगे, तो मैं भी हम कुछ पोस्ट भी करेंगे छोटा मोटा, क्योंकि 2 दिन से कुछ पोस्ट नहीं किया हमने कल से यहाँ पे। भाई श्रृंखला क्या ऊंचाई थी भाई साहब, बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी, और यहाँ पे रात को बहुत ठंड हो जाती है कसम से। सो अगर कोई आए तो भाई प्रिपरेशन करके आना। हमने सारी पैकिंग कर ली, यहाँ पे टेंट वेंट सब लगाया था। ये तो कैंप साइट वाले बंदे के टेंट है, हमने यहाँ लगाए थे। हमारी सारी गाड़ी पैक होगी, बाइक पैक होगी, उन भाई लोगों की थार पैक होगी। बाद में वो लोग हमें यहीं मिले थे, गुजरात से हैं भाई लोग, हमें रास्ते में मिल गए थे श्रृंखला से उतरते उतरते। सो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से आगे रोड पे, देखते हैं क्या कुछ मिलता है नया। सो गाइस अभी हम कैंप साइट से निकल चुके हैं, हमारे बंदे अभी पीछे आ रहे हैं, थार आ गई है, और सामने व्यू देखो बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत भयंकर आ रहा है। सबको आने देते हैं, फिर चलते हैं साथ में। चलो आप लोग रोडों के मजे लो, हम तो आगे मिलते हैं। तो अभी हम थे कारगयाक में, यहाँ पे चेक पोस्ट है, ये अभी मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि हजारों लोगों के नंबर है। यहाँ पे सर मिलेगा टेंजिंग रिंगजिंग, तो सर ने बहुत अच्छी हमें साइट सीइंग की नॉलेज दी, जो हमने जो आइटनरी बनाई थी गलत बनाई थी, सर ने पूरा उसको करेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे अभी हम ना फिल करते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। पिछले साल जब हम यहाँ पे आए थे तो कोविड का चेकअप हो रहा था ना, तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम डबल वैक्सीनेटेड हैं, बूस्टर भी लगे हुए हैं, और बाकी सब बढ़िया है सर। यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं भर भर के, बड़ा बड़ा आ रहा है, रोज बहुत आ रहा है। बढ़िया सर, ऐसे ही होना चाहिए, ठंड दे रही है। इस व्यू देखो क्या भयंकर है, thank you.
तो अभी हम थे पुरने में, ब्रीजा को हमें यहीं पे छोड़ना पड़ रहा है, सारे चले गए नीचे थार समेत। भाई ब्रीजा नहीं चढ़ेगी यहाँ पे, अभी तो मना करा था मैंने, मेरे को तो समझ नहीं आ रही थार ऊपर जाएगी कैसे यहाँ से। ये भाई क्या मिले, हमारी तो मौज हो गई, मौज हो गई। कौन भाई? गुजराती भाई ले घूम रहे पंजाबी चाट खाकरा, इनकी बात कर रहा था मैं, तंदूरी फ्लेवर, शाही पनीर फ्लेवर, और यहाँ जहाँ पे मिल गया पंजाबी चाट। भाई तुम अकेले अकेले खाते रहते हो सब कुछ, फिर तुम जब डिनर बनाना होता तुम सो जाते हो। तो तुम्हारी सेहत नहीं है, मेरी सेहत है। जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं है। देखो लहसुन का अचार है, खिलाओ भाई लहसुन का अचार ही खिलाओ। यहाँ बन रहा है पोहा, पोहा बन रहा है शेफ मोहित। कैसे सोच के आया था कि ऐसा कुछ भी होगा? नहीं पता, शुरू करो आगे। सोचा था कभी पैंगोंग लेक, हाथ से हाथ मिलाते चलो आगे बढ़ते चलो बढ़ते चलो। जो ड्रोन शॉट आया कमेंट सेक्शन में बताना क्या सही लोग कैसे लगा, पिछली बार हमने उस तरफ से लिया था, इस बार हमने इस तरफ से लिया। फोन भी दो यार, ये तो हाथ में आके मुंह में नहीं जा रहा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पदुम और शाम के एग्जैक्ट 7 बज रहे हैं। कैसा लगा राइड करके? ठीक था, मैं सबसे पहले पहुंचा था बेसिकली। और गाड़ी की कंडीशन देखो, धूल मिट्टी में, ये आगे वाली तो झड़ चुकी है, और ये मेरा जो रैप हुआ था सारा रैप का रंग ही झड़ चुका है। ये कोई कह सकता है ग्लॉस ब्लैक था ये टाइम पहले? कोई कह सकता है, वो चमकदार बाइक है। और ये रास्ते में 2-3 बार गिरा भी है। नहीं जा, मतलब मिट्टी में गिरे थे, तो अभी व्यू देखो हमारे बैकयार्ड का, क्या नजारा है पीछे का, तो बहुत ही जबरदस्त नजारा है हमारे बैकयार्ड से। और अभी हम रुके में मार्क गेस्ट हाउस, जहाँ पे हम गए थे पिछले साल, जहाँ पे हमने स्टे लिया था, वो अभी इस समय फुल था, सिर्फ एक रूम था, हमें 3-4 रूम चाहिए थे, तो हमें ये होम स्टे मिला, वही होटल वाले हमें यहाँ पे लेके आए। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से हो क्या ये कार हमारी कराया। और ये भाई लोग हमारे साथ में आ गए सारे, गुजराती थार। अभी लग रही है बहुत ज्यादा भूख, तो चलो भाई चलते हैं अंदर।